मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर। इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत करंडा ब्लॉक के सहेड़ी गांव से है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहेड़ी गाजीपुर। हम इस समय इस प्लेस पे उपस्थित हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है और इस समय मैं आपको बताऊँ कि 10:53 जो है हो चुके हैं। अब वानगी ये है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत है, उसकी मंशा क्या है, इस पे किस कदर पानी फेरते हैं नियुक्त जो है कर्मचारी और उनके अधिकारी। जानते हैं यहाँ के कितने अधिकारी अब तक यहाँ आए हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने यहाँ स्टाफ हैं। कर्मचारियों की संख्या कितनी है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में? छह कर्मचारी हैं। कितने लोगों की प्रेजेंटी है और कितने आए हैं? सिर्फ दो आए हैं। और ये प्रेजेंटी कितने लोगों की लग रही है बाबा? ये तो पर डे की प्रेजेंटी है ना? ये तो आज फरवरी की। नहीं नहीं, ये फरवरी की है। ये रजिस्टर का फोटो खींचवा? नहीं, रजिस्टर का फोटो नहीं खींच रहे, वो तो रिकॉर्डिंग में चल रहा है। बट ये है कि अटेंडेंस और एब्सेंट सब कुछ तो उसमें है ना, तो आप नहीं बताएंगे? मैं डॉक्टर राजेश कुमार राव, सीएससी अधीक्षक करंडा। सर, एक मामला है सहेड़ी के पीएचसी पे। एक डॉक्टर साहब हैं, लोगों का आरोप है कि 15-20 दिन पे एक बार आते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं। इसकी जानकारी आपको है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर साहब की सूचना हुए के अनुसार रेगुलर आते हैं, जो उनसे फोन भी बात होती है तो कि आप पीएससी पे हैं। और जब विजिट पे जाए, मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है विजिट पे जाकर, तो प्रेजेंट पाए गए हैं। महीने में कितनी बार जाते हैं निरीक्षण? एक पीएससी पे हमें विजिट करने महीने में एक बार, मैक्सिमम दो बार तक किया जा सकता है। वहाँ से जो अटेंडेंस आता है वो किसके द्वारा मेंटेन करके भेजा जाता है? जितने भी एडिशनल पीएससी इस ब्लॉक में है या किसी अदर ब्लॉक में भी, वहाँ के मदर पीएससी पे वहाँ के डॉक्टर हेमोसी इंचार्ज वहाँ के और फार्मासिस्ट द्वारा जो संयुक्त रूप से बना के अटेंडेंस यहाँ पर भेजा जाता है, यहाँ फॉरवर्ड करके जिले को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो सर, वहाँ के जो ये एमओ हैं, एमओआईसी, अगर वो खुद अपना अगर अटेंडेंस बना के भेजते हैं तो उनके अटेंडेंस का वेरीफाई कौन करता है? उनके अटेंडेंस, अगर उनका रजिस्टर में अटेंडेंस पॉलिस लगा और ओवर राइटिंग नहीं है तो उसको सही माना जाएगा। अभी सर 19 मार्च को जब एडिशनल सीएमओ साहब हॉस्पिटल पे गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने 11 तारीख से लगाई 19 तारीख तक। सहेड़ी के जो एमओ हैं डॉक्टर शैलेश, वो अब्सेंट पाए गए थे। उन्होंने पूरा अब्सेंट मार्क उस अटेंडेंस रजिस्टर में कर गया था, उसके बावजूद भी जानकारी मिली है कि जो ये पेरोल वहाँ से आया अटेंडेंस वाला, वो पूरा आया, पूरे महीने का आया है। उसके संदर्भ में आपको बता देखे भी हैं कि उन्हीं के द्वारा साइन करके पूरा कंप्लीट आया। तो वही चीज़ पूछ रहा हूँ ना सर, कि अगर वो अपना अटेंडेंस अगर भेजते हैं तो फिर उनका अटेंडेंस वेरीफाई कौन करता है? अटेंडेंस तो पिछले महीने का वो है, वो पूरी आ चुकी है, वो तो रजिस्टर में वो प्रेजेंट है और उनके द्वारा जो भेजा गया है पेरोल उस उनके द्वारा साइन, वो खुद उसको उत्तरदायित्व है। जो एडिशनल सीएमओ या जो सीएमओ साहब जो है उनका अटेंडेंस जो है कितने 11 से 19 तारीख तक उस पर अनुपस्थित पाए गए, तो फिर उनका कैसे कंप्लीट हुआ फिर वो उस महीने का? वो उनके द्वारा यहाँ भेजा गया, अब यहाँ से एडिशनल सीएमओ के यहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया, तो वो अगर वो अनुपस्थित रहे होंगे तो वहाँ पे भी उनको जवाब देना पड़ेगा, पकड़ में आएंगे अगर उन्होंने किसी कारण जो गलत बना भेजा है। क्या कार्रवाई होगी इसके, अगर ऐसी होती है प्रक्रिया उनकी, तो उनसे जवाब मांगा जाएगा या फिर वहाँ के द्वारा उनकी सैलरी रोकी जाएगी, बाधित की जाए जब तक जवाब नहीं देते हैं? आपके द्वारा क्या किया जाएगा, जो जानकारी आपको
बताई गए सूत्रों द्वारा या जो आपको बताया जा रहा है, यदि ये चीज़ें पाई जाती तो आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है उनके ऊपर? हमारे द्वारा उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा उनको।